शीलतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
शक्तिवत पुरुषो। भगवान के रंग में रंग जाने से, मन को परमात्मा में जोड़ देने से, अपने प्राणों में परमात्मा की अनुभूतियां करते रहने से, चर्चाओं में भगवान को शामिल कर लेने से, जैसे किसी काम के संपूर्ण हो जाने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है, ऐसे उस प्यारे की चर्चा करके जब संतुष्टि मिलने लग जाए, आनंद आए भगवान का भजन करके, तब भगवान का उपहार मिलता है। ददामि बुद्धि योगम, कृष्ण भगवान कहते हैं, तम एन माम उपयान्ति ते, उनको जो मुझ में लगे हुए हैं, मैं उन्हें वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। कठिन मार्ग आसान हो जाएगा, दुष्कर है चलना लेकिन आसान होगा, मार्ग आसान होगा। जो बात जन्मों में नहीं बन पाई, इस जन्म में ही बन जाएगी। इसलिए मन को पहले सुमन बनाएं। सुमन बनाने का अर्थ है फूल की तरह खिलना, फूल की तरह कोमल होना, फूल की तरह सुगंधित होना, और फूल की तरह ही आकर्षण का केंद्र बनना। पुष्प जैसे खींच रहा है बच्चे बूढ़े जवान सबको अपनी ओर, पुष्प देकर ही हम दूसरों का स्वागत करते हैं। पुष्प ही हैं जो सजाने के काम आते हैं। पुष्प जहाँ उगता है वहाँ की शोभा बन जाता है। इसलिए आप जहाँ भी हैं वहाँ की शोभा बनिए। आपकी कोमलता, आपका आकर्षण प्रभावशाली रहे। बातचीत, उठना बैठना, व्यवहार लेना देना, सब में एक आकर्षण हो जाए। पुष्प के साथ कांटे होते हैं तो आपको भी अपनी सुरक्षा के लिए प्रबंध तो करना चाहिए, कि समाज में दुष्टता भी है, धूर्तता भी है। भला आदमी भला रहे, बुरों से प्रभावित ना हो, बुराई को दूर बनाकर रखे, दुष्टता को समझता भी हो, समझाना जानता भी हो, दुष्टता से दूर भी रहे, दुष्टता को दूर करना भी जानता हो। इसलिए भगवान शिव एक हाथ आशीर्वाद का उठाते हैं और दूसरे हाथ में त्रिशूल भी संभालते हैं। तो ताली बजाना भी ठीक है, ताल ठोकना भी ठीक है, कहीं कहीं तो ताल भी ठोकनी पड़ेगी ना। ललकारना होगा दुष्टता को। दुनिया में बुराई इसलिए नहीं कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बुराई को बर्दाश्त करने वाले बढ़ गए हैं इसलिए दुनिया में बुराई फैल रही है। इसलिए बर्दाश्त मत करना बुराई। विभीषण भक्त है, भक्त होने के बाद भी बुराई का विरोध भरी सभा में करने की हिम्मत रखता है, ये है उसकी शक्ति। प्रह्लाद भक्त है परमात्मा का, लेकिन पिता ही सही, शक्तिशाली सम्राट सही, विरोध करने की ताकत रखता है। अपने पिता का भी विरोध कर दिया उसने, क्योंकि बुराई का विरोध करने की ताकत होनी चाहिए आपने।
तो भक्त का मतलब ये नहीं, ऐसा गिलगिला जीव नहीं होना चाहिए कि जिसको जिधर से किसी ने छेड़ दिया उधर से बस ठीक है, भगवान ठीक कर देंगे। छोटी सी चींटी को ही इतनी ताकत है अपनी सुरक्षा के लिए, इतनी छोटी सी चिमटी रखती है अपने पास, अगर आप उसके ऊपर बैठ गए आपको ऐसा काटती है आप उठ के इधर उधर भागते हैं, बहुत देर तक अपनी कमर खुजलाते रहते हैं और कहते हैं माफ़ करना, इतनी देर में निकल जाती है उधर। चींटी कहती है इतनी देर से मैं हाथ पांव जोड़ रही थी, सुना था तुमने कि हम भी यहाँ हैं। ये भले लोग इतने जल्दी धोखे में आते हैं क्योंकि लोग ढूंढते हैं कि सॉफ्ट टारगेट कौन बन सकता है, जिसको वो अपनी भाषा में बकरा कहते हैं, बकरा मिल जाए कोई तो सारा प्रवचन इस पर ना हो जाए, इसलिए आगे बढ़ें कि सुमन बनना है, कोमल बनना है, आकर्षण का केंद्र बनना है। और ये जो मैंने अभी सुनाया ना, इसको ऐसे सुन के मत टाल देना, इसे याद रखना। जिन महिलाओं को 65-68 वर्ष की उम्र तक भी उनका आदमी थप्पड़ मारता है और वो आकर कहती है कि पोते पोतियां हो गए बड़े बड़े, उनके सामने भी थप्पड़ मारते हैं ये, अब मंत्र बताओ कोई कि ये थप्पड़ ना मारें। हमने कहा कितने साल हो गए शादी को, बोले 35 साल। मैंने कहा 35 साल की आदत पड़ गई तो और सह लो, थोड़े और थप्पड़ खा लो। नहीं नहीं कोई मंत्र, मैंने कहा मंत्र उस दिन काम करता जिस दिन पहला थप्पड़ मारा था, अगर विरोध करने की ताकत होती और आप कह सकते कि इंसानों की तरह बात करो, थप्पड़ की बात नहीं, तो हिम्मत नहीं थी कि आपको दूसरा थप्पड़ मारता कोई। अब क्योंकि आप मजबूर हैं, जाएंगे कहाँ, और अगर अब भी हिम्मत है तो रोको, सबके सामने कहो, एक बात याद रख लेना, दूसरों को बताओ कि आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। आप अपने को खुद इज्जत दोगे तो सारी दुनिया इज्जत देगी, जब आप अपनी इज्जत मानते ही नहीं तो कौन इज्जत देगा। इसलिए भक्त का मतलब ये नहीं है जो आपने मान लिया है, भक्त का मतलब वह व्यक्ति जिसको उस अनंत असीम परमात्मा की अनंत प्यास लगी हो और उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। भक्त सरल भी है, भक्त मधुर भी है, भक्त शांत भी है, वो शांति रखता है, शांत वातावरण करता है और शांत रखना भी जानता है, वो झुकना भी जानता है, झुकाना भी जानता है, वो सुधरना भी जानता है, सुधारना भी जानता है, वो बात मानता भी है, मनवाना भी जानता है, वो किसी की सुनता भी है, सुनाने भी जानता है। इसलिए भक्त वो है जो मिलता भी है, मिलवाना भी जानता है, और जो टूटे नहीं, झुके नहीं अन्याय के सामने, हार ना माने, उठने की हिम्मत रखता हो, वो भक्त है। इज्जत देना जानता है और इज्जत कराना भी जानता है, उसे भक्त कहते हैं। तो यात्रा इस तरह शुरू होगी, ध्यान से सुनना, यात्रा इस तरह शुरू होगी, मन सुमन बने। आपका मन सुमन बन जाए, आपकी गति सुगति, आपकी मति सुमति, आपकी कृति सुकृति, हर चीज को गति मंगल हो, मति मंगल हो, कृति मंगल हो, प्रगति मंगल हो, मनुष्य की हर स्थिति मंगल हो, मंगल हो, शुभ मंगल हो, ये भाव रखिए। हर रूप में आपको सबसे पहले तो
ये सोचना होगा कि मन आपके सुमन बनने के लिए आपके विचार शुभ विचार हों, ऊंचे अच्छे सकारात्मक। हर समय अपने अंदर बुरे 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 विचार मत आने दीजिए। मस्तिष्क को खाली रखना सीखिए और मस्तिष्क को खाली रखकर सकारात्मक सोचिए, अपनी अच्छाइयों के, सच्चाइयों के, खूबियों के, विशेषताओं के बारे में सोचो। हर समय जब आप आत्मसंवाद करते हो ना, आप सारा दिन बात करते हो खुद से, समझना, आप सारा दिन खुद से बात करते हो और सारा दिन खुद को कोसते भी, ये कर दिया मैंने, पता नहीं अब क्या होने वाला है, वो आया है मेरे सामने से गुजर के गया, कुछ बुरा होने वाला है, सास ने ऐसे देख लिया, अब तो कुछ ना कुछ बुरा होगा ही, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली सामने से चली गई, अब बुरा होने वाला है। ये हिंदुस्तान इतना अजीब देश है, यहाँ अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ बहुत, लेकिन कमियाँ भी कुछ लोगों में है। ये कानून का सम्मान करके रेड लाइट पर नहीं रुकेंगे, लेकिन बिल्ली आ जाए सामने से तो गाड़ी जरूर रुक जाएगी। ये कितनी अजीब बात है, बिल्ली में बहुत दम है, बिल्ली को बैठा हो ऊपर, ट्रैफिक पुलिस वाले बिल्ली पाल लें, दो चार तो होनी चाहिए, जैसे ही गाड़ियां चलने लग जाए ना, लाल बत्ती के टाइम में बिल्ली इधर से उधर आती जाती रहे, कितनी अजीब बात है। और फिर सारा दिन टीवी पर वो बैठे हुए हैं जो आपको सारा दिन यही बताते हैं, बिल्ली आ गई, कौवा घर में आ गया, कुत्ता इधर से गुजर गया, उसके बाद आपका ये काम खराब हो जाएगा, वो काम खराब हो जाएगा। और फिर कुछ लोग बताएंगे चाइना का मगरमच्छ लेके आओ अपने घर में, वहाँ का जो है एक ड्रैगन लेकर आओ, ड्रैगन, मुझे एक ने भेंट किया ड्रैगन, मैंने कहा ये क्या है, बोले आप रखिए प्रॉस्पेरिटी आएगी, मैंने कहा आप ले जाओ चाइना वालों को दो। अजीब बात है, कछुआ रखा हुआ है वो चाइना वालों का, अपने देश का कछुआ तो शिवजी के सामने रहता है, घंटियां बाहर लटका रखी हैं, ये क्या है, नहीं इससे प्रॉस्पेरिटी आती। मैं सोच रहा हूँ इनके घर में, क्योंकि जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ बराबर में वो घंटी बजे, अब कोई खोलने आए नहीं दरवाजा, मैं बाहर जाके देखूँ घंटी बजी, कोई खोल नहीं रहा, मैंने कहा ये क्या है, बोले नहीं ये मंगल ध्वनि है, मैंने कहाँ से आई, बोले चाइना से आई है, फेंसू ही वालों ने बता रखी है। अजीब बात है, आपके यहाँ कॉर्नर की दुकान हो, अग्रवाल स्वीट हाउस, पता नहीं क्या क्या बने हुए, सब कॉर्नर में ही है, हल्दीराम कॉर्नर में, अब चाइना में अगर कॉर्नर में दुकान है कोई नहीं खरीदेगा, एक भी चाइनीज तो नहीं खरीद सकता, वो कहता है इससे बुरी चीज हो ही नहीं सकती। आपके यहाँ 8 नंबर शनि का नंबर है, वो कहते हैं हमारे लिए बड़ा शुभ है, तो 2008 में 8वें महीने में 8:08 में ओलंपिक शुरू हुआ चाइना में, कितनी अजीब बात है, नंबरों में आ गए लोग, 13 तारीख मनहूस तारीख बना ली लोगों ने यूरोप अमेरिका में, पुस्तकें लिख दी मोटी मोटी, लिफ्ट के अंदर 13 नंबर नहीं है, कितना कितना दुनिया के अंदर अजीब अजीब चीजें फैली हुई है। और इधर गुरु नानक देव को जब सच्चा सौदा कर रहे थे, आटा तोलते तोलते 10 बोला, 11 बोला, 12 बोला, 12 के बाद जैसे कहा 13, तो 13 ही 13, 13 ही 13, सब कुछ 13 ही है भगवान, और ऐसा कहते कहते बौध हो गया, अंदर परमात्मा का स्वरूप जागृत हो गया। इसलिए वहां 13 बड़ा शुभ है, यहां बड़ा गड़बड़ है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं
ये नकारात्मक बातें मत रखना अपने अंदर। चीजों को हम डर बैठा लेते हैं, ये डर बैठता कैसे है? घोड़ा, उस पर बैठा हुआ घुड़सवार ले जा रहा घोड़े को दौड़ाता हुआ, और सामने एक ठूंठ था, उससे टकरा गया घोड़ा। घुड़सवार ने देखा कि आना तो रोज इधर से ही पड़ेगा, और सामने खेत में किसान के पास गया, फावड़ा लेकर आया, खोद कर पहले उस ठूंठ को निकाला। मेरा घोड़ा इधर से जाएगा, मेरे घोड़े को चोट लगी। अब घोड़े को जब भी उधर से लेकर आए तो वो ठूंठ तो निकाल चुके थे, रास्ता ठीक था, लेकिन घोड़ा वहां आके रुके। मन में एक बार उसके बैठ गए, यहां गड़बड़ है, ठूंठ निकल गया। आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं एक बार ठोकर लगी या किसी ने डर बैठा दिया, आपका घोड़ा वहां रुकेगा जरूर। इसलिए किसी को ऐसे लगी होगी चोट, उसने 13 नंबर बना दिया, किसी ने जो कॉर्नर वाला मकान बोल दिया, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, घर के पूरी दीवारें तोड़ी जा रही हैं, रसोई घर की जगह जो है बाथरूम लेकर आ रहे हैं, बाथरूम वाली जगह पर मंदिर लेकर के आ रहे हैं, कहीं ये बदल रहे हैं, कहीं वो बदल रहे हैं, सारी दीवारें तोड़ ली लेकिन बहम की दीवार नहीं तोड़ी, क्योंकि गड़बड़ दिमाग में है। उसी घर में पहले आप इतना आगे बढ़ रहे थे, अब उसी घर में रहते हो, काम खराब हो गया, दोष जो है मकान का हो गया। अभी भी एक महिला आई थी, उसने कहा कि सब ने कहा ये मकान छोड़ दो, हमने तो बहुत अच्छे से बनाया था, अब जरा उसमें एक दो बार बीमार हो गए हम लोग, अब क्या करें। बड़े अजीब अजीब लोग, एक सज्जन मिले हमको, बोले आपके हाथ से कुछ लेना है हमें, तो मैंने उनसे एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। बोले नहीं नहीं नहीं, ये वाली नहीं। मैंने कहा आपको कौन सी चाहिए? बोले बैठे हुए चाहिए। मैंने कहा बैठे हुए में और खड़े हुए में दिक्कत है? बोले खड़े हैं तो खड़े खड़े निकल जाएंगे यार, बैठे वाले चाहिए, बैठे वाले। बड़ी मुश्किल हुआ। तो आपका मन सुमन बनेगा तो बनेगा कैसे? विचार स्ट्रांग बनाइए। हरि सिंह नलवा महान वीर हिंदुस्तान का, भारत माता का सपूत, जीतने के लिए अपनी फौज के साथ जा रहा है और सामने नदी आ गई, नदी का नाम था अटक। तो फौजियों ने कह दिया कि अब आगे नहीं जा पाएंगे, बाढ़ आई भी नदी में और अब तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। और उसके बाद सबने बोलना शुरू कर दिया, हंसना भी शुरू कर दिया, बस यहाँ तो अटक गए, क्योंकि ये तो नदी ही ऐसी है, यहाँ तो सब कोई अटक जाता है, इसका नाम ही अटक इसलिए। कुछ कमांडर आए, उन्होंने आकर कहा कि अगर आज रात में हम पार नहीं कर पाए, दुश्मन को पक्का पता है कि पार नहीं कर पाएंगे, तो जीतना बहुत मुश्किल है। हरि सिंह नलवा घोड़े पर बैठा और दो पंक्तियां कहे, सभी भूमि गोपाल की या में अटक कहाँ, पूरी धरती भगवान की है, इसमें कहीं अटक नहीं, कहीं बाधा नहीं है, क्योंकि सब जगह भगवान है और उसका हाथ, उसकी कृपा सब जगह है। सभी भूमि गोपाल की या में अटक कहाँ, और जाके मन में अटक है बस वही अटक रहा, जिसके मन में अटक है वो अटक जाएगा, मेरे मन में अटक तो नहीं है। घोड़े को ले गया, तैराता हुआ पार, और उसके पीछे देखते देखते सारी सेना पार हो गई, और अगले दिन विजय का झंडा फहरा दिया और कहा कि ये है विजय। तो डरते रहो घर में बैठकर, सकारात्मकता को रखिए, बहादुर बनिए। और अगर आप डरे रहोगे तो काम खराब हो जाएगा। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, अपने अंदर जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, के हार भी जाओ जिंदगी में सब कुछ
मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हार भी जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। जिस आदमी के अंदर ये उम्मीद होती है, उसका मन सुमन है, वो जीवन में उठकर चलेगा, आगे बढ़ेगा। भरोसा नहीं उसको कि कोई और आएगा मेरा भला करेगा। क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब तुझे चलना है खुद के पैरों पर? क्यों भरोसा करता है गैरों पर? टाइम ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, किस्मत अच्छी नहीं है। 2-2.5 साल के लिए बताया, अभी तो ग्रह चाल भी अच्छी नहीं है। प्रयास करना छोड़ मत देना। कुछ दिन होते हैं शांति के, स्थिरता के, लेकिन फिर भी और मजबूत करो अपने आप को। शिवाजी को अवसर मिला था ना, आगरा से जब वापस आए थे, धोखा देने वाले के साथ में धोखे से उन्होंने बात इसी तरह से की, क्योंकि जब इधर आए औरंगजेब ने लेटर भेजा, हम तो आपको पहले ही विदाई देने वाले, छोड़ने वाले थे, आप तो जल्दी में खुद ही निकल कर भाग आए। इन्होंने भी अपनी तरफ से कहा कि हम भी आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपसे मिलने की इच्छा बहुत थी, पर हमें थोड़ी जल्दी थी इसलिए जल्दी से निकल आए, क्योंकि जैसा है बात तो वैसी करनी पड़ेगी। और फिर साथ में लिख दिया कि हमें आपके प्रभाव के बारे में असलियत पता लगी, इसलिए अब हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। कूटनीतिक भाषा में कह दिया। और उन दिनों में आकर क्या किया, कोई हमला नहीं, कोई हरकत नहीं। 2-3 सालों में अपनी इतनी मजबूती बनाई, इतनी मजबूती बनाई, पूरे प्रशासन को ठीक किया। औरंगजेब ने सोचा अब इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये मुझे कुछ कर सके। उन्होंने समझ लिया कि इतने दिनों में हमें अपने को मजबूत करना, अपनी नींव मजबूत करनी, अच्छी सड़कें बनानी है, प्रजा का पूरा ख्याल रखना, अपनी सेना को मजबूत करना है, अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपनी हर स्थिति को सुदृढ़ करना है। और जब सब चीज़ें ठीक हो गई, उसके बाद फिर शिवाजी की पताका लहराने लगे और फिर बढ़े। और आगे पीछे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना ही बताना चाहता हूं, दिमाग को भी बलवान बनाना चाहिए। शिवाजी के पास फौजी ताकत थी, शिवाजी के पास शारीरिक शक्ति थी, शिवाजी के पास बौद्धिक शक्ति थी, और शिवाजी के पास रूहानी ताकत भी थी। गुरु का हाथ और माता का हाथ, दोनों जीजा माँ और समर्थ गुरु रामदास, दोनों की कृपाएं। इसलिए अपने आप को समर्थ बनाना है तो एक तो आपके विचार प्रबल होने चाहिए, मन को सुमन बनाइए। और उसके बाद एक चीज और करना, हर दिन मन को सुमन बनाने के साथ मन को अमन की ओर लेकर जाइए। मन अमन हो जाए, नो माइंड, मन है ही नहीं, विचार शून्य हो जाए। एक महात्मा बोलते थे, उनका ढंग था कहने का, वो कहते थे दुनिया से बात करनी है तो फोन की जरूरत है, और मालिक से बात करनी है तो मौन की जरूरत है। फोन करोगे तो बिल आएगा, बिल देना पड़ेगा, और भगवान से बात करनी है तो दिल देना पड़ेगा, अपने आप को उसे सौंपना पड़ेगा। और बाबा लोग अपनी मौज में बोलते हैं ना, सामान्य भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि जब आप मन को अपने शांत कर लेंगे ना, विचार शून्य कर लेंगे, तो मन अमन होता है, तो थोड़ी देर के लिए मौन,
शांत स्थिर प्रेमपूर्ण होकर बैठने की आदत। ज़्यादा बोलने की आदत होनी ही नहीं चाहिए, नपातुला बोलें। सुभाष चंद्र बोस बहुत थोड़ा बोलते थे, नपातुला। सरदार पटेल और भी कम बोलते थे, लेकिन उनका बोला हुआ इतना वजनदार था। जब भारत के गृह मंत्री बने तो पाकिस्तान वाले, वहाँ के हाकिम लोग सरदार पटेल के एक एक वाक्य के सारे मीनिंग ढूंढते थे, इसका और मीनिंग क्या है, और मीनिंग क्या, डिक्शनरी खोल खोल के बैठते थे, ये मीनिंग भी हो सकता है। इसलिए सरदार सरदार था, और सरदार ही नहीं असरदार भी था। सरदार पटेल सरदार भी और असरदार भी। बहुत बोलने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा बोलो लेकिन नपातुला बोलो, प्रभावशाली बोलो। आपका बोलना भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो हो सके जितना मौन रख सकते हो मौन रखो। और एक खास बात, एक ध्यान की झप्पी, झपकी, ध्यान की झपकी लेना सीख जाइए। ध्यान की झपकी क्या होती है? जैसे आपने भोजन किया दोपहर में, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, और आप कुर्सी पर पीछे की तरफ अपनी गर्दन ऐसे लेकर गए, सिर पीछे की तरफ किया, थोड़ा आराम की मुद्रा में आए, हल्की सी नींद की झपकी आ गई आपको, तो आपको क्या करना है? नींद नहीं, ध्यान की झपकी लो। ध्यान की झपकी कैसी होती है? आंखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ें, माथे को ढीला छोड़ें, आंखें कोमलता से बंद करें, सारी मांसपेशियां शरीर की जो खिंचाव है तनाव है सबको ढीला कर दें। सहज शांत 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 होते होते और श्वास की प्रक्रिया सामान्य बना लीजिए, एकदम शांत। और उसके बाद आप अपने किसी तीर्थ में चले जाओ। द्वारकाधीश के दर्शन करने द्वारिका चले गए, दर्शन किए और मन मन में कल्पना कर रहे हैं कि आप समुद्र के किनारे जाकर एक चट्टान पर बैठ गए हैं और वहाँ आती जाती लहरों को देख रहे हैं। दूर से लहरों से उठते हुए बांसुरी के स्वर सुनाई दे रहे हैं और प्रकाश की कुछ किरणें आपको छू रही हैं और आप आनंदित हो रहे हैं। मधुर स्वर अथवा स्वर्णिम प्रकाश, और आप आनंद में हिलोर लेते हुए स्थिर होते जा रहे हैं। गोविंद गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे भगवान, तेरे नाम अनंत हैं लेकिन तू एक ही है, एक एक एकमात्र, तू ही तू, तू ही तू। और थोड़ी देर के बाद खो जाए ना अपना ध्यान, ना रूप, ना रंग, ना कोई शब्द, स्थिर होकर उसी स्थिति में कुर्सी पर अपना सिर टिकाए हुए बैठे रहे। लोग कहेंगे सो गया, आप जानते हैं कि खो गया, खुद को अपनी मैं को खो दिया। और उसी में 10 मिनट 20 मिनट जो आप ध्यान और समाधि में पाओगे वो ऐसी ध्यान की झपकी में पा जाओगे। दोपहर में कुर्सी पर बैठे बैठे ध्यान हो जाएगा, कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, कोई शरीर सीधा करके बैठने की जरूरत नहीं। और ये हो सकता है ट्रेन में बैठे बैठे कर लें, पर अपना सामान सुरक्षित करके। आजकल ये बड़ी समस्या है, वो मंदिर में भी लोग जाते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ते, सीढ़ियों में वहीं खड़े खड़े। कुछ लोग थोड़ी हिम्मत कर लेते हैं, नीचे जूते उतारे, सीढ़ियां चढ़ के थोड़ा ऐसी जगह पर खड़े हो गए, वहीं से भगवान के दर्शन, वहीं से जूते के दर्शन, दोनों को देख रहे हैं। एक समान दृष्टि है दोनों तरफ, प्रभु आप भी ठीक हैं, जूता भी ठीक है, दोनों सुरक्षित रहे, कोई लेकर ना जाए। नहीं तो जूता ले गया तो फिर यहाँ तो कुछ मिले ना मिले लेकिन उधर नुकसान ना हो जाए, बड़ी समस्या है। और कुछ लोग अपना मंदिर जाते हुए एक जूता इधर रखेंगे एक उधर रखेंगे, क्योंकि एक से काम चलने वाला नहीं किसी का, चालाकी करते हैं। और चुराने वाला भी दूर से देख लेता है, इसका एक यहाँ पड़ा एक यहाँ पड़ा, दोनों उठा के ले जाता है। घबरा मत जाना, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठिए।
तो आप सामान अपना ठीक करके अपने ट्रेन में भी बैठे हुए ना, तो ट्रेन में भी बैठे बैठे पीठ पीछे टिकाकर और वहाँ भी ध्यान में जा सकते हैं। कोई ऐसा क्षण ढूंढ लें, कोई जीवन की ऐसी मधुर याद, किसी नदी के किनारे सुंदर वातावरण में आप पेड़ों के झुरमुट के पास ठंडी प्यारी हवाओं के झकोरों के साथ जब आनंदित हो रहे थे, उसी को ध्यान में लेकर कि जैसे उसकी हवा चल रही, उसका गीत चल रहा है, उस प्यारे का, उस परमात्मा का, उस दीनदयाल का, मैं उसके साथ अपना संबंध जोड़कर बैठा हुआ हूँ, तू वहाँ लेकर चल मुझे जहाँ तेरे आनंद की हिलोर उठ रही है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है। क्योंकि आप भगवान के ध्यान में जाना चाहते हैं, तो ध्यान क्या है? अपने स्वभाव में खिलना, जो आपका स्वभाव है ना, बचपन में जो था आपका, उसी स्वभाव में खिलना, मुस्कराते रहना, गुनगुनाते रहना, खिलते रहना, खेलते रहना, हर चीज को खेल खेल में करना, या हर चीज को खेल बना लेना। बच्चे के लिए हर चीज खेल है, वो किसी चीज को बोझ नहीं बनाता। ये बड़े होते ही हम बोझ बनाने लगते हैं, अपनी पूरी जिंदगी को बोझ बना लेते हैं। खेल हो जाए जीवन, हर कर्म खेल हो जाए, खेल की तरह खेलते हुए खेलते हुए आप जब जीने लग जाते हैं, आपका कर्म ध्यान बन जाता है। अपने स्वभाव में शांति आपका स्वभाव है, प्रेम आपका स्वभाव, ये ध्यान रख लेना। स्वभाव वो चीज जिसमें आप टिकें तो बोर ना हो, जो चीज आपको पसंद आती है, आपका स्वभाव शांति का है, सारा दिन शांति रहे, आपको आप उबोगे नहीं, वो स्वभाव है जिसमें ऊब पैदा नहीं होती। वो चीज जो आपके स्वाभाविक गुण हैं, मुस्कराते रहना, मुस्कराने से कोई उबता नहीं है, हंसते रहने से, खुश रहने से कोई उबता नहीं, जिंदगी भर नहीं उबोगे, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, आप कहोगे और लंबी जिंदगी होती, पता भी नहीं लगा कब जीवन पूर्ण हो गया। ये आपका स्वभाव, अपने स्वभाव में स्थिर रहना ध्यान है, अपने स्वभाव में खिलने का नाम ध्यान है। अपने स्वभाव में उतरो, शांति में उतरो, अपने प्रेम में उतरो। घृणा आपका स्वभाव नहीं है, अशांति आपका स्वभाव नहीं, सहज रहना आपका स्वभाव है, क्रोध आपका स्वभाव नहीं है। अपने स्वभाव में खिलना और सभी चीजों के साक्षी हो जाना ध्यान, विटनेस बन जाओ। तमाशा देखो लेकिन तमाशा मत बन जाना। और दुनिया आपको हिलाना चाहती है, आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशियां छीन लेना चाहती है। अपनी जगह वैसे ही रहो, किसी के द्वारा दिए गए किसी प्रभाव से प्रभावित मत हो जाना। भगवान को लोग पूछते हैं ना, आपके पास भी लोग आते हैं तो तीन ही चीजों के लिए आते हैं, या तो भाव में आएंगे, या अभाव में आएंगे, या प्रभाव में आएंगे। कल इसके बारे में बताएंगे, आज कुछ और चर्चा कर रहे हैं। तो आप किसी से भी प्रभावित ना हो, साक्षी बनकर जब आप रहते हैं, साक्षी रूप में ही बैठकर ध्यान हुआ किया जा सकता है। आ रहे हैं विचार, अच्छे बुरे, सुख के दुख के, हानि के लाभ के, लेने के देने के, संयोग के वियोग के, आते जाते देखते जाओ, साक्षी बने रहो, किसी से भी प्रभावित मत हो, अपनी जगह स्थिर होकर बैठे रहिए। जब आप साक्षी होकर बैठते हैं, प्रभावित नहीं होते, किसी लहर से आप बह नहीं जाते, तो थोड़ी देर के बाद ये सब विचार आते जाते बंद हो जाएंगे और आप अपनी जगह बिल्कुल शांत सहज। बचपन में आपका मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता था, बहुत अच्छा लगता था। टीन एज पार करते करते आपके अंदर विचारों की दुनिया की भीड़ आ गई, और उसके बाद आप देखते हैं कितनी अजीब स्थिति हो गई आपकी।
अशांति 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 अशांति, हर जगह अशांति आप अनुभव करते हैं। क्या हो गया हमको, खो गए हैं। तो सार ये हुआ, साक्षी बन जाना ध्यान, परम मौन इसका नाम ध्यान, छोटा मोटा मौन नहीं, परम के प्रति मौन हो जाना, इतना कि आपके कान, आपका रोम रोम, आपका मन, आपका चित्त इतना मौन हो जाए कि उसकी आवाज सुननी है वो क्या कह रहा है। ध्यान में आप भगवान को सुनते हैं, प्रार्थना में भगवान आपको सुनता, आप बोलते हैं वो सुन रहा होता है, और ध्यान में वो बोल रहा होता है आप सुन रहे होते हैं। इसलिए पूरी तरह से कान बन जाना है, पूरी तरह से इतने शांत, जैसे सबसे कहते ना सुनो सुनो कोई आवाज आ रही है, सुनना है उसकी आवाज को, वो जो अनहद नाद बज रहा है। इसलिए जब आप उस आवाज को सुनने लग जाते हैं तो समझ लेना हम वासी उस देश के, जहां गगन धरण दोई नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। कबीर साहब ने कहा जहां ये धरती ये आसमान कोई नहीं है, जहां पर केवल मंत्र से कहिए शब्द से कहिए उस परमात्मा के नाम से ही मिलन होगा, ना धरती मिलाएगी ना आसमान मिलाएगा, मिलाएगा तो केवल परमात्मा का नाम ही परमात्मा से मिलाएगा। उस देश के हम वासी हैं, वहां के रहने वाले हैं। और कृष्ण ने तो एक अलग रूप दिया, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। अर्जुन मेरा पता पूछते हो, मेरा धाम मेरा मकान वो है जहां जाने के बाद फिर कभी लौटना नहीं चाहोगे, वहीं के हो जाओगे, तुम कहोगे यहां से नहीं जाना, लौटोगे ही नहीं। इसलिए परमात्मा का धाम आनंद ही धाम है, परमात्मा का धाम आनंद धाम, जहां पहुंचने के बाद लौटने की इच्छा नहीं होती। बिन पावन का पंत है, बिन बस्ती का देश, वहां बस्तियां नहीं है, वहां पांव से नहीं पहुंचा जाता। बिन पिंड का पुरुष है कहे कबीर संदेश, ये तन भी नहीं ऐसा पुरुष जिसकी देह नहीं, परमात्मा देह वाला नहीं है। मतलब वहां पर पहुंचने के लिए पांव से नहीं पहुंचा जाता, पहुंचना है तो अपना नाम जप करते करते, और कहिए नाम की माला भी चलते चलते रुक जानी चाहिए, मेरी बात को ध्यान देना, माला भी छूट जाए, वो चाण भी छूट जाए, मन भी छूट जाए, विचार भी छूट जाए, अंदर कोई भी भाव चल रहा है वो भी रुक जाए, अपनी भी खबर ना रहे, मैं कौन हूँ ये भी भूल जाएं, कहाँ बैठा हूँ ये भी ध्यान ना रहे, जहाँ बैठे हैं वहीं गुम हो जाएं, जहाँ आप गुम हो गए वहीं आप भगवान में लीन हो गए, बस आपका संबंध जुड़ जाए। खुद ही अपना स्वभाव, अपना आपा, अपनी मैं सब छूट जाए, जो बंदा खुद ही से जुदा हो गया, खुदा की कसम बस खुदा हो गया, ये मैं हट जाए। मैं हट जाने का मतलब भूल जाओ स्वयं को, तो बैठे बैठे अपना ध्यान ही न रहे, जहां बैठे बैठे आपको अपनी होश न रहे, और यह संभव है, कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं। जैसे नींद में जाने के लिए आपको जोर नहीं लगाना होता, खुद को ढीला छोड़ना होता है, बस आप अपने आप पहुंच जाओगे। जब तक आप सोचते रहोगे नींद नहीं आ रही तो नहीं आएगी, और जब आप शांत 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 लोरी गाओ ओंकार की, जैसे माँ गाती है,
आ करते करते गाती है ना, तो आप भी खुद को कहना श्याम श्याम श्याम। तो वो ध्वनि अनहद नाद वाली ओंकार वाली ध्वनि जिसे आप भ्रामरी प्राणायाम के रूप में उच्चारण करें, यही खो जाओगे आप। कमाल की बात है, भगवान ने अपने ऐसे साजिंदे बनाए हुए हैं जो प्रकृति को सुलाने के लिए शाम होते ही सूर्य ढल जाएगा, वन में आप जाओ झाड़ियों के पीछे बैठे हुए अपनी वीणा सितार लेकर साजिंदे शुरू करते हैं, झिंगूर झिंग ये आवाज आनी शुरू हो जाती है। झिंगूर अपनी वीणा लेकर बजाना शुरू कर देता है, पंछी अपने घोंसलों में जाकर अपने पंखों को समेटने लग जाते हैं, अपनी चोंच को ढीला छोड़ करके अपने घोंसले पर रख देते हैं, शांत हो गए, पूरी प्रकृति सो गई, सन्नाटा सुन सुन की आवाज। ऐसे आप अपने अंदर भी वीणा बजाइए, शांत शांत होते होते खो जाओ, कोई विचार नहीं। तो थोड़ी देर ऐसा करके देखिए, मन अमन हो जाए, जब मन अमन हो जाएगा बस यहीं से आप परमात्मा के हो जाएंगे, समर्पण यहीं से शुरू होगा। तो पहले मन को आप सुमन बनाएं, फिर मन को अमन बनाएं, और फिर अमन करते करते, अमन का उर्दू के हिसाब से अर्थ शांति होता है, तो शांति आती ही तब है जब मन अमन हो जाता, मन मन नहीं रह जाता, विचारों से शून्यता आ जाती है। तो थोड़ी थोड़ी देर जो है ऐसी स्थिति बनाया करें। और एक और तरीका है, आप जो विचार आपके मस्तिष्क में चलते हैं ना, उन विचारों में एक के बाद दूसरा विचार जब आ रहा होता है तो बीच का जो गैप है उस पर मन टिकाओ और उसे बढ़ाते चले जाओ। अभी एक विचार आया, अब दूसरा आने वाला है, तो दोनों के बीच में गैप पैदा करो, गैप को बढ़ाते चले जाओ, और किसी भी विचार से परिचय मत करना। कोई आया विचार तो उससे ज़्यादा जानकारी मत कर लेना, आने दो जाने दो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, थोड़ी देर के बाद सब भाग जाएंगे। ध्यान अद्भुत शक्ति है। तो कृष्ण कहते हैं जिसका मन मेरे रंग में रंग गया, जिसके प्राण जिसका जीवन मुझे समर्पित हो गया। देखिए पहले यह कहा जाता है कि गुरु से जुड़ो, और गुरु फिर द्वार बन जाए परमात्मा तक पहुंचने के लिए, दीवार नहीं बने, बस मुझे ही मानो इसके बाद आगे कुछ नहीं। ये जो रोक कर बैठ जाते हैं गुरु लोग, यहां गड़बड़ है, बस मैं ही मैं हूं, नहीं, गुरु द्वार है जिससे होकर आप हरि से मिलने के लिए जाएंगे। वो आपको प्रेरक बनकर प्रेरणा देता रहेगा, लगातार 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 प्रेरणा देता रहेगा कि चलो आगे। हां पहले आपको वैसा करना पड़ेगा कि आप गुरु के इतने प्यारे रंग में रंगे हुए शिष्य हो जाएं, गुरु के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे। आपने देखा होगा बच्चा पहले माँ के इर्द गिर्द घूमता है, माँ को नहीं छोड़ना चाहता, माँ की गोद नहीं छोड़ना चाहता, बाद में अपने पिता की उंगली थाम लेता, फिर माँ की तरफ नहीं देखता, और उसके बाद आगे चलते चलते जब वो अपने स्कूल में जाता है छोटा होता है तो अपने टीचर की नकल करने लग जाता है। टीचर जैसा सब फैशन करेगा, और माँ बाप भी कहने लग जाते हैं ज्यादा कुछ करेगा तो तेरे टीचर को बता देंगे, तो उसे डर भी लगता है। बच्चे ने अपने प्रेम को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो टीचर तक पहुंच गया,
अब यहाँ यात्रा रुक जाती है, टीचर से भी खो गया, न जाने कहाँ कहाँ लग गया। लेकिन आपको भी ये करना, माता पिता से प्रेम को लाकर गुरु में समेट लेना है और फिर गुरु आपके प्रेम को परमात्मा में समर्पित कर दे, बस इस तरह से अपने प्रेम की यात्रा को लेकर जाना। लेकिन इस बीच में अपने प्रेरक को भूलना नहीं है। माँ का अपना स्थान है, उससे भी प्रेम रहे, पिता का अपना स्थान है, वहाँ भी प्रेम रहे, आपका देश के प्रति भी प्रेम रहना चाहिए, अपने फर्ज के प्रति भी प्रेम रहना चाहिए, लेकिन सबको जोड़कर आपका प्रेम गुरु तक पहुँचा है और गुरु से होते होते परमात्मा तक आपका प्रेम पहुँच जाए। लेकिन जब गुरु से जुड़ रहे हो, इतना जुड़ो, इतना जुड़ो, इतना जुड़ो, इस तरह जुड़ो कि बस फिर कुछ और नहीं दिखाई दे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये कहना किससे है? अपने सदगुरु से कहना है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अशकों से होता है, जिक्र प्यारे का अशकों से होता है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। आप देखते हैं ना कि जैसे सहजो सहजोबाई दयाबाई, सहजो और दया दोनों गुरु बहन हैं और गुरु हैं स्वामी चरणदास। 300 साल पहले भारत में घटना घटी। गुरु ने जो ज्ञान देना था दिया, भक्ति जगाई, सहजों को कहा जाओ अपनी कुटिया में बैठ जाओ, अपने रब को याद करो, उसके हो जाओ। अब सहजो अपने मन में सोचती है कि गुरु से वचन तो लूं, या तो वो आए या मैं आऊं मिलने। तो गुरु ने पूछा क्या चाहती हो? मैं मिलने के लिए आना चाहती हूं। इच्छा हो कि बार बार आने की? गुरु ने कहा जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ही आऊंगा, तुझे आने की जरूरत नहीं। अब बरस बीत गए ध्यान करते करते, समाधि कर में पहुंचते पहुंचते परमात्मा का प्रेम जागृत होते होते वो स्थिति हो गई कि ध्यान का कमल समाधि में पहुंच गया, ध्यान गहरा। और रोती है कि अब आपकी कृपा से उसके दर्शन तो हो गए, आप कब आओगे? फिर एक दिन सोच रही है, मैंने उनके बैठने के लिए आसन तो बनाया नहीं, इन साधारण कपड़ों पर मेरा गुरु बैठेगा। अब आसन बनाया और बनाने के बाद खूंटी पर टांग दिया, उसी दिन जमीन पर रखूंगी जिस दिन मेरे सदगुरु आएंगे। पूर्णिमा आ गई, गुरु पूर्णिमा, और उस दिन ध्यान में परमात्मा भी उतर आए।
नारायण के दर्शन हुए, खिड़की से प्रकाश अंदर आया, साक्षात नारायण के दर्शन होने लगे, और इधर आसन रखा हुआ, इतनी देर में आवाज़ आई कि गुरु की खड़ा होकर आवाज़ आ रही है, सुगंध भी वैसी, गुरु भी अंदर आ गए। अब बैठी है ऐसे, आंखें भी खोल रखी हैं, लेकिन ध्यान ऐसे लगा हुआ है, खुली आंखों में भी महसूस हो रहा है कि मेरे सामने मेरे नारायण भी हैं और इधर गुरु भी सामने। अब आसन किसे दें? गुरु से भगवान मिले हैं, गुरु ने भगवान तक पहुंचा दिया, लेकिन आसन किसे दूं? उठाया, आसन बिछाया और गुरु को इशारा किया, आइए बैठिए। भगवान पूछ रहे हैं मुझे क्यों बुलाया था? बोले आप इतना कर दीजिए, मैं चरण धोऊंगी, जल डालने का काम आप कर देना, मेरे सदगुरु का स्वागत होना चाहिए। इतना माना उसने। इसलिए जब सहजों ने इसके ऊपर गीत गाया था कि गुरु के सामने हरि को बुला दूं, हरि को न निहारूं, ये अद्भुत था। कितनी बार आपको भजन सुनाया ना हमने, आप लोग गुनगुनाते हैं। इसलिए आपसे ये कहूंगा कि गुरु के प्रति इतना भाव हो जाना चाहिए कि सब कुछ उस राह पर ले जाने वाला सदगुरु है, और गुरु को ये कोशिश करनी चाहिए कि शिष्य की श्रद्धा जगाकर उसे परमात्मा से जोड़ दे, और परमात्मा से जोड़कर ऐसा आगे पहुंचा दे कि वो मुझे माने ना माने लेकिन भगवान को जरूर माने, परमात्मा को जरूर माने। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, माही घर आ जा, माही घर आ जा, हर बूंद सिपारिश है, माही घर आ जा, हर बूंद सिपारिश है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, बाहर लाचारी है, बाहर लाचारी है,
नाच प्यारे का, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है, नाच प्यारे का भीतर तो जारी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया, राजी कर दुनिया, या रब को कर राजी, राजी कर दुनिया, या रब को कर राजी, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। आहट है सावन की, आहट है सावन की, रब्बा खबर सुना, रब्बा खबर सुना, माही के आवन की, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो इतना समर्पण सद्गुरु पर कर लेना, जो तू बनाना चाहता है मैं बनने के लिए तैयार हूं, जिधर ले जाना चाहता है जाने के लिए तैयार हूं। जब गुरु को समर्पित होता है शिष्य, परमहंस रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र गए उनके पास नौकरी मांगने के लिए, और उन्होंने कह दिया कि नौकर बनने नहीं आया, तू तो राजा बनने के लिए आया है, नौकरी क्यों मांगता है। इसलिए उसे सम्राटों का सम्राट भी महान परिव्राट बना दिया उन्होंने। एक गुरु अनेक विवेकानंद बना सकता है, लेकिन अनेक विवेकानंद बनकर मिलकर भी एक रामकृष्ण परमहंस नहीं बना सकते, इसलिए एक गुरु अद्भुत होता है। तो जब भी कभी जीवन में ये क्षण आते हैं, वो धरती वो स्थान धन्य हो जाता है, वो क्षण धन्य होता है जब आपके जीवन में गुरु का प्रवेश होता है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, गुरु का मिलना पा जाना और गुरु के हो जाना ये कठिन है। आप एक बार गुरु के हों और फिर गुरु की तरफ गुरुमुख होकर, गुरु की ओर मुख करके हर समय जुड़े रहना, विचारों से जुड़े रहना, उन प्रेरणाओं से जुड़े रहना जो सदगुरु हर समय दे रहा है, जब आप उससे जुड़े रहते हैं तब आपके जीवन में वो चमत्कार अपने आप घटित होने लग जाता है, जिसकी आप जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जो जन्मों से नहीं बात बनी वो एक ही जन्म में बन जाती है। लेकिन एक बार समर्पित हो जाएं और अपने गुरु से बढ़कर दुनिया में किसी चीज़ को मूल्य न दें, महत्व न दें, गुरु के शब्दों को महत्व दें, गुरु के शब्द आपके लिए अमृत बन जाने चाहिए, तो यहां से आपका द्वार भगवान की तरफ जाएगा। पहले समर्पित होना सीख जाएं। जब आप समर्पित होना सीख जाते हैं
तो बस यहीं से बात बननी शुरू होगी। दुखद बात यह है कि हम सब लोग गुरु का मंत्र भी ले लेते हैं लेकिन गुरु के नहीं हो पाते, गुरु के विचार भी सुनते हैं, गुरु के विचारों के प्रशंसक भी हो जाते हैं लेकिन उन विचारों का प्रशिक्षण लेने की चेष्टा नहीं करते। जब तक आप प्रशिक्षण लेते हुए ट्रेंड नहीं होंगे, वो विचार आपके स्वभाव में नहीं उतरेंगे, तब तक समझ लेना गुरु अभी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया तो भगवान भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप गुरु के विचारों के साथ खुद को ढालते ढालते आप उस स्वभाव से जुड़ने की चेष्टा कीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आप गुरु स्वरूप में स्थित होते होते अनुभव करेंगे कि गुरु से भगवान का रास्ता आसान हो गया है। गुरु से मिलते मिलते आप वहाँ तक पहुँच गए हैं। गुरु के आश्रम में, आश्रम क्या, प्रयोगशाला, जहाँ जीवन पर प्रयोग होते हैं, जहाँ आपके अंदर नया प्रयोग होता है, नया रूपांतरण होता है। गुरु के आश्रम में कुछ अच्छे लोग भी आ गए, कुछ बुरे लोग भी आ गए। बुरे लोगों से लोग परेशान हो गए और कहते हैं कब चले जाएं ये, अच्छे लोग वो भी सीख कर जा रहे हैं और बुरे लोग कुछ नहीं सीख पाए, सबको तंग कर गए। जब अच्छे लोग जाने लगे, गुरु को पता लगा ये जा रहे हैं, गुरु हंसने लगे, खुश होने लगे, बोले हाँ जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छी बात है, जाओ जाओ। जैसे बुरे लोग जाने लगे, गुरु के आंख में आंसू, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, रुको रुको रुको। अब गुरु के निकट रहने वाले शिष्यों को लगा ये क्या उल्टी बात हो रही है, जिन्हें रुकना नहीं चाहिए वो जा रहे हैं, जिन्हें चले जाना चाहिए। गुरु उनको देखकर उदास है, आंख में आंसू भर लाए, पूछना शुरू कर दिया, सदगुरु आपकी लीला तो आप ही जानते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा हो रही पूछने की। भले लोग जा रहे थे तो आप हंस हंस कर कह रहे थे हाँ जाओ जाओ, बहुत अच्छी बात है, जाओ। उन्हें तो रोकना चाहिए था। और जो ये बुरे लोग हैं जिनको पहले ही चले जाना चाहिए था, आप उन्हें रोकना चाहते हो, आंख में आंसू भी आ गए आपके और वो रुकना नहीं चाहते, वो भागे जा रहे हैं। गुरु ने कहा वो जो भर चुके थे, वो अच्छे लोग जो यहां अमृत से भर चुके थे, भक्ति से भर चुके थे, परमात्मा के नाम से भर चुके थे, जो पूरी तरह से परमात्मा मैं हो गए थे, उनको कहा कि जाओ अच्छी बात है, पूरी दुनिया में सुगंध फैला दो, तुम्हारा जाना अच्छी बात है, पूरी दुनिया में जाओ रंग लगा दो सबको परमात्मा का। लेकिन ये जो दूसरे हैं, ये वो लोग जो खाली हैं, भर नहीं पाए अपने आप को, इन्हें जाता हुआ देखकर रोना आ गया कि आए भी अमृत के कुएं के पास, बर्तन खाली रह गया, भर नहीं पाए और खाली अवस्था में ही जा रहे हैं। तो उनको कह रहा था भी रुको, बहुत मुश्किल से कोई पुण्य जागा था जो गुरु की शरण में आए थे, यहां से खाली मत जाना, यहां से खाली मत जाना, भर लो अपने आप को, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जब गुरु की शरण में आ जाएं तो ये कोशिश करो, कोई भी दुनिया का आदमी आपको हिलाने की भगाने की चेष्टा करेगा, भागना नहीं, डटे रहना वहीं, भरना अपने आप को। क्योंकि कितने जन्मों से पुकारा था आपने, तो इस जन्म में आपकी पुकार सुन ली गई, गुरु का द्वार मिला, अब इस द्वार को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से किस्मत जागेगी, यहीं से आपके जन्मों की स्थितियां ठीक होंगी। बुद्ध ने कहा था बहुत मर चुके, अब मत मरना, इतना मरे हो कि तुम्हारे शरीर की राख के ढेर पहाड़ बन गए, तुम्हारे आंसुओं से, दुख से पीड़ित होकर आंसू बहाते रहे हो, इतने जन्मों तक तुम रोए हो,
धरती पर तालाब तुम्हारे आंसुओं के बने हुए हैं। हर जन्म में रोना था, हर जन्म में मरना था, हर जन्म में परीक्षा थी, हर जन्म में पीड़ाएं थी, बहुत मर चुके, अब नहीं मरना, अब उस तरफ जाना है कि फिर मरना ना पड़े, फिर रोना ना पड़े, अब फिर परीक्षा नहीं, अंतिम परीक्षा पास कर जाओ, सारे विश्वविद्यालय कॉलेज सब पार कर गए, अब परीक्षा नहीं होगी, सारी डिग्रियां मिल जाए, गुरु ही वो डिग्री देगा और कहीं से डिग्री मिलने वाले नहीं। तो कैसे चलना है इस मार्ग पर, इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन घड़ी ने कहा बज गए 7, तो रुकना तो पड़ेगा। तो आप सजाओ अपने आप को, जब किसी के अंदर परमात्मा उतरता है, जब किसी के अंदर वो जागृत होता है, देखिए भगवान सबके अंदर है, जागृत नहीं है, माचिस की तीलियां माचिस की डिब्बी में रखकर पॉकेट में आप बैठे हो, इतनी बड़ी आग है, पूरी दुनिया को जलाने की ताकत रखती है, इतनी बड़ी रोशनी है, सारी दुनिया का अंधेरा दूर कर सकती है, इतनी ताकत है उसमें, लेकिन आपको कोई फायदा हो रहा है? कितनी भी सर्दी लग रही हो, हर सर्दी को हटाने की ताकत आपकी माचिस की तीलियों में है, आपकी पॉकेट में पड़ी है माचिस, लेकिन फायदा तो नहीं मिल रहा, रोशनी तो नहीं मिल रही, गर्मी तो नहीं मिल रही है, आप भोजन तो नहीं पका पा रहे उससे, पॉकेट में पड़ी है, भगवान भी आपके अंदर है, फायदा तो नहीं हो रहा, क्यों? माचिस की तीलियों को रगड़कर अग्नि प्रकट तो करो, आपके अंदर परमात्मा है, अपने अंदर उसे प्रकट तो करो, तभी तो लाभ मिलेगा, नहीं तो भगवान तो सब जगह है, सब में है, सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी उस घट को जा घट प्रकट होई, जिसके अंदर वो प्रकट होगा, बस बलिहारी उसके उसके सदके जाना, उसको प्रणाम कर देना, तो आपके अंदर वो प्रकट हो सके, वो घर्षण करना पड़ेगा आपको, उसे जागृत करना पड़ेगा, तब आपको जितने अंश में जागृत होगा, एक शुरुआत में बच्चा माचिस को रगड़ रहा, हल्की सी चिंगारी प्रकट हुई, शुरुआत में आप ध्यान में बैठ रहे हो, एक चिंगारी प्रकट हुई, आनंद आ गया, शांति आ गई, शक्ति आ गई, एक चिंगारी है, संपूर्णता में अग्नि जलेगी, पूरा प्रकाश हो जाएगा, कायरता भाग जाएगी, आपकी विषमता समता में बदल जाएगी, आपके अंदर का विषाद प्रसाद में बदल जाएगा, अब प्रसन्नता, अब आनंद, अब अमृत, अब शक्ति, अब आप शांति, अनंत प्रेम, अनंत तरह की संपन्नता, पूर्ण सुरक्षा अनुभव करेंगे, कुछ पाने की चाह नहीं रहेगी, आपको लगेगा मैं बादशाह बन गया हूँ, ये कोई नशा, पागलों वाला नशा नहीं है, ये नशा होगा, आप अपने आनंद में जहां बैठे हैं, आपको लगेगा इससे बड़ी अमीरी नहीं हो सकती, तब आप कहोगे कि मैं वहां पहुंच गया हूं जहां अब कोई और मंजिल नहीं, और राह नहीं, और रास्ते नहीं, इसलिए इसे पाने के लिए आपको अपने को खोना पड़ेगा। सूफियों ने अपने ढंग से कहा, रब कहते हैं मैं वहां हूं, ऐ मेरे हमदम, मेरे प्यारे मुझे ढूंढने वाले, मैं वहां हूं, ऐ मेरे हमदम, जहां खुद को खुद की होश नहीं रहती, मैं वहां हूं, जहां तुम अपनी होश खो बैठते हो, जहां तुम्हें अपना ध्यान नहीं रह जाता, जहां खुद को खो बैठते हो, जहां संसार विदा हो जाता है, वहां से करतार की यात्रा शुरू होती है, इसलिए आओ उतरो इस मार्ग पर, पाने के मार्ग पर, मिलेगा, कठिन नहीं है। कल बैठेंगे हम, सुबह की यात्रा तो ध्यान की यात्रा चल ही रही है, शाम को फिर आपको और इशारे करूंगा कि इधर से होकर निकलना, ऐसे चलने की कोशिश करना, और फिर आप कोशिश करेंगे तो आप खोज लेंगे, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे
आप जो कर रहे हैं उसे छोड़ना नहीं, जो घर में काम कर रहे हैं काम नहीं छोड़ना, दुकान मकान नहीं छोड़ना, बिजनेस नहीं छोड़ना, नौकरी नहीं छोड़ना, घर का कार्य करते करते परमात्मा तक पहुंचना है। कबीर ने काम करते करते पाया, गोरा कुम्हार ने अपना काम करते करते परमात्मा को पाया। चाहे सैना नाई हो, सावंता माली हो, सदना कसाई हो, गोरा कुम्हार हो, कर्मा बाई हो, धन्ना जाट हो, सबने अपना अपना काम करते करते ही परमात्मा को पाया। आपको दुनिया में जागने की जरूरत है, दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है। इसी दुनिया में रहकर आप पाओगे, यहीं रहकर पालोगे। बस इतना ध्यान रख लेना, अपना एक हाथ गुरु के साथ, गुरु के हाथ में अपना हाथ पकड़ा देना, और एक हाथ आप संसार के कर्म करने के लिए लगाए रखना। आपका हाथ गुरु संभाले रखे और एक हाथ से दुनिया के कर्तव्य निभाते रहें, आप जरूर पहुंच जाओगे। बस इस बात का ख्याल रख लेना। तो आइए सद्गुरु के प्रति अपना भाव मन में रखते हुए उच्चारण करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास समर्पित होने के लिए आ गया। ज्ञानी है, समझदार है, लेकिन कहता है खोटा सिक्का हूं, शरण में हूं, मुझे रख लो। गुरु ने कह दिया जाओ, दुनियादारी करते करते अपने रब की शरण में चलो। इतना पढ़ा लिखा, बड़ी नौकरी कर सकता था, लेकिन सब्जी बेचने का काम करता है। भोले भाले आदमी को देखकर लोग नकली सिक्के चलाने लग गए, नकली खोटे सिक्के, और ये भी सब्जियां तोलकर
दे रहा है, नकली खोटा सिक्का डिब्बे में डालता जा रहा है। पूरी जिंदगी ऐसे बीत गई। लोगों ने कहा संत जी लोग आपको धोखा दे रहे हैं, खोटा सिक्का डाल जाते हैं, डिब्बा भर गया आपका, देख तो लिया करो। मना नहीं किया उन्होंने। जब आखिरी समय आया और अपनी आखिरी इबादत कर रहे थे तो सिर झुकाते हुए क्या कहते हैं, सजदा करते हुए, मेरे रब तेरा खोटा सिक्का हूं, मुझे चला लेना, अपने पास रख लेना, कहीं कोने में पड़ा रहूंगा, देख मैंने तेरे इतने सारे खोटे सिक्के चलाए हैं, डिब्बा झुका दिया आगे, सारे सिक्के बिखर गए, मैंने इतने चलाए तू एक नहीं चला सकता, कहीं कोने में पड़ा रह जाऊंगा, मुझे भी संभाल ले। बस ये है समर्पण, समर्पण कर दो मिलेगा जरूर। गुरु ब्रह्मा